हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो हम लोग भी एकदम बढ़िया से हैं और अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है, एक नए दिन की शुरुआत हो गई है इन खूबसूरत पहाड़ियों से। और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो क्योंकि ये जो लोकेशन है आप लोग समझ गए होंगे कि ये लोकेशन हमारे गाँव के लिए भी जाती है ये वाली रोड, और यहीं से इसी रोड पर है आगे हॉस्पिटल है जो कि सरकारी हॉस्पिटल है, तो वहाँ जा रहे हैं। और आज है 2 नवम्बर, तो 2 नवंबर है और हॉस्पिटल जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि 4 नवंबर को मेरा ऑपरेशन होना है यानी कि डिलीवरी होनी है। तो उससे पहले पहले मुझे डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बुलाया था 2 तारीख को, 3 तारीख को शाम को एडमिट होना है, लेकिन 2 तारीख को अभी इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने टेस्ट वगैरह करवाए, मेरे बहुत सारे टेस्ट वगैरह हुए और मेरी जो रिपोर्ट्स हैं कभी भी सही नहीं आती हैं, और जो मेरा ब्लड की जो रिपोर्ट है वो भी, मतलब उसमें ब्लड भी बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने मुझे कमी बताया, तो मुझे ब्लड की भी ज़रूरत पड़ेगी। और मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो है AB पॉजिटिव है, तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप 2 तारीख को एक बार आ जाना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे ब्लड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो हमें फिर बाहर देहरादून से ही ब्लड मंगवाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं 2 तारीख को, और कल शाम को मेरे को एडमिट होना है। तो ये सीन है, और मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर तो ब्लॉग बन नहीं पाता है, तो जो भी आज की जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको आके बताऊंगी बाद में जब हम हॉस्पिटल से आ जाएंगे। तो चलिए फिर आगे अपना रास्ता कंटिन्यू करते हैं और अपना ब्लॉग भी चलते हैं। और अक्कू को हमने आज स्कूल भेज दिया है, क्योंकि अब ऐसा सीन है कि आज 2 नवम्बर है, कल भी स्कूल भेज देंगे उसे, फिर 4 नवंबर से तो फिर उसे घर पे ही रहना पड़ेगा, मतलब हमारे साथ ही रहेगी यहाँ पे, देखते हैं जो भी सीन होगा। और स्कूल तो जा नहीं पाएगी वो, है ना, कुछ दिन तक, तो जब तक हम रूम पे नहीं पहुँचते हैं। चलिए चलते हैं, मैंने ना अपना बैग वैग और रिपोर्ट्स यहाँ पे रखी हुई थी, चलते चले। तो दोस्तों अभी हम हॉस्पिटल से घर आ गए, चेंज वगैरह कर लिया है, और हॉस्पिटल जाके मैंने आपसे बोला था ना कि जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो हॉस्पिटल जाते ही पता चला कि वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो, उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा, तो वो अभी यहाँ पे है नहीं। तो अब पता नहीं, 2 तारीख का मुझे बोला हुआ था, आज 2 तारीख है, तो वैसे बोला तो वैसे एडमिट तो वैसे कल होना था, लेकिन 2 तारीख को इसलिए बुलाया था, मैंने आपको बताया कि ब्लड का वगैरह कन्फर्म करना था कि यहाँ पे है या नहीं है, तो वो तो थी नहीं, तो फिर इसलिए कुछ कंफर्म भी नहीं हो पाया। अब मैं वहाँ से, मतलब जो और भी हैं वहाँ पे, तो किसी, मैं नंबर ले लिया है वहाँ पे, तो उन्होंने बोला है कि कल आप एक बारी कंफर्म करना 10 बजे के बाद, अगर मैम आ जाती हैं तो फिर कल दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि कल शाम को तो मुझे एडमिट होना था, और अगर वो नहीं आती है तो पता नहीं फिर अब क्या ही होगा, क्योंकि 4 की तो ऑपरेशन की डेट थी, तो पहले एडमिट होना पड़ता है ना, ड्रिप वगैरह दवाई वगैरह चलती है शायद, और खाने पीने के लिए भी मना कर देते हैं शायद, तो देखते हैं अब क्या सीन होता है। और फिलहाल तो हम घर आ चुके हैं, और अब अक्कू को लाने का भी टाइम हो गया, तो ये जाएंगे अक्कू को लेने के लिए, और मैं बनाती हूँ लंच। मतलब आज का दिन ऐसा हो गया कि गए और आए, मतलब पहले ही अगर नंबर किसी और होता हमारे पास पहले होता, तो फिर हम फ़ोन करके पता करके तब जाते। तो चलिए, वैसे भी मतलब ऐसा हो रहा है कि कभी कहीं के चक्कर काटो, कभी कहीं के चक्कर काटो, है ना, दिक्कतें हो ही रही हैं, बहुत परेशान हो गए। ये देखो हम बैठे परेशान हो गए, और आज का जो व्लॉग जाना है वो भी फिर घर आके, वैसे एडिट कर ही रखा था हमने, क्योंकि हमें पता था कि हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर अभी व्लॉग भी अपलोड हो चुका है, आपको टाइम से देखने को मिल ही जाएगा। फिलहाल जो है ना, ठीक एक बजने में अभी 10 मिनट बाकी रह गए, तो ये जाएंगे कोको लेने के लिए। और आज के जो लंच में है ना, क्या बन रहा है, धपड़ी और भात बन रहा है, तो मैं बनाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। देखो बिल्ली आ गई फिर से, म्याऊ, कहाँ जा रही है आज, ये ना बिल्कुल डरती नहीं है, सीधा हमारे घर घुस जाती है, ये देखे देखे देख, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, सीधे अंदर चली गई वो, ले ले म्याऊ, अंदर घुस गई, क्या ढूंढ रही होगी, रोटी हमने ना गाय को खिला दी, वरना रोटी दे देते ना।
रोटी हमने गाय को खिला दी, वरना रोटी दे देते आप क्या दे? वो अंदर चला गया ना। उसको लग रहा हो दूध गिरा देगा। बिस्किट देना पड़ेगा उसे। दे से एक बिस्किट नहीं खा रही और अंदर जा रही है। ले आ जा जल्दी आ। अरे मैं सोच रही खाएगा, खा ही नहीं रही, अंदर घुस रही है। अब क्या करें? आ जा आ जा। वो देखो अंदर चली गई यार किचन में। किट्टी ले 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 आ जा। हमारा दोस्तों लंच बन चुका है और आज लंच में है पालक की धपड़ी और भात। धपड़ी? हाँ इसको धपड़ी बोलते हैं। कहाँ धपड़ी? धपड़ी है ये जो आप खा रहे हो। तो इसको बोलते हैं काफली। काफली बोलो, धपड़ी बोलो, साग बोलो, बहुत सारी चीजें कुछ भी बोल सकते हैं। धपड़ी है ना, धपड़ी। और ये बहुत ही फायदेमंद होता है। हरा साग आजकल सर्दियों में खूब खाना चाहिए। नहीं नहीं। तो दोस्तों खाना बिल्कुल बन चुका है, थाली लग गई है। अब खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी हमारी चाय बन चुकी है और चाय के साथ ये है बिस्किट। अबू को तो चाहिए चाहिए और हम भी खाली चाय नहीं पीते तो कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं, है ना। चलो ये अब फालतू के मच्छर मारे। मच्छर दिख रहे हैं? दिख रहे हैं बेचारे? क्या वो रिंग लाइट वाले लो, रिंग लाइट वाले, रिंग लाइट मैन रिंग लाइट वाले साहब जी को चाय पिला। लाइट मैन में अंधेरा इतना हो रहा है यार, इसके लिए ना बड़े बल्ब लाने दो। चलो ऐसे में थोड़ा सही है, ये वीडियो तो बन जाएगी ना। तो हां दिखता था कि क्या खा रहे हैं। इतनी तेज लाइट चाहिए हमें अपने कमरे के लिए, है ना। हां जो इतना तेज चाहिए हमें लाइट, फिर जब जाके तो वीडियो बन पाएगी। बेचारा गोप्रो देख नहीं पाता है। तो दोस्तों अभी ना शाम का टाइम हो गया है और दिन में खाना खाने के बाद ना हम लोग सो गए थे। तो क्योंकि मुझे ना खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है और उसके बाद उसकी चाय वगैरह हो गई है। अब हो गया है खाना बनाने का टाइम। तो आज ना पतिदेव किचन में कुछ स्पेशल बना रहे हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। और मेरा काम है सिर्फ रोटी बनाने का, तो मैं रोटी बनाऊँगी। यही होता है, सबको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। ये देखो वहाँ पतिदेव खानदान में लगे हैं यहाँ पे। आपको भी सोचिए मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना बेटा गाड़ी आएगी, है नी? अगर गाड़ी चाहिए तो रिंग लाइट तो पकड़नी पड़ेगी, है ना बाबू? हाँ। और आपको जैसे गाड़ी गाड़ी करती रहती है ना, तो कमेंट भी आया था कि जरूर आपकी गाड़ी आएगी, बस आप मेहनत करो और क्या करो, मेहनत करते रहो, निराश नहीं होना है, जरूर आएगी गाड़ी। तो पक्का गाड़ी आएगी। रिंग लाइट पकड़ने के लिए अच्छा लगता है, रिंग लाइट पकड़ना ठीक है। मैं भी ऐसा काम करती हूँ, अच्छा लगता है। आपको कभी तो ब्लॉगर बनना है ना? क्या बोल रही है तू? कह रही मुझे तो अच्छा लगता है रिंग लाइट पकड़ना। मजा लेता है। मैं भी पकड़ लेती हूँ। और हमने ना आपको से बोला था कि मतलब जब ये स्कूल जा रही थी कि हम हॉस्पिटल जाएंगे ना ऐसे कि फटाफट के सारे काम निपटाने हैं, तो आपको बोल रही थी मम्मी आप हॉस्पिटल जा रहे हो कि मैं भी जाऊंगी। मैंने ऐसे बोला था कि नहीं कि अभी नहीं जाना कि बाद में जाना कि। तो फिर आपको ना घर आते क्या बोला था मम्मी को, बेबी कहाँ है, क्या बेबी लेके नहीं आए? क्योंकि हमने ऐसे बोला था हम बेबी लेने जा रहे हैं। तो घर आते ही सीधा मतलब ऐसे चेंज भी नहीं किया, शूज़ भी नहीं उतारा, सीधा आते मुझसे कहती मम्मी बेबी कहाँ है, बेबी नहीं लाया आप? तो बेबी जल्दी आएगा, ठीक है आपको? हाँ जल्दी आएगा, अक्कू के लिए, अक्कू के साथ बेबी, ठीक है। चलो तो दोस्तों अभी हो गया है शाम का टाइम और लाइट नहीं आ रही, तो उसमें रिंग लाइट से ही वीडियो शूट कर रही हूँ। और आज पतिदेव बना रहे हैं कुछ स्पेशल हम सबके लिए, क्योंकि मटर मशरूम बना रहे। वैसा हमारा प्लान कल था बनाने का, कल तो मिला नहीं, तो बन रहा ही है मशरूम का, ये मटर और मटे टमाटर और प्याज से ये फ्राई करने लग गए। और ना जब कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं ना यही बनाते हैं, क्योंकि इनको मेरे हाथ पर अच्छा नहीं लगता, बोलते मैं खुद बनाऊंगा, सही भी है ना। और मुझे इनके हाथ पर अच्छा लगता है। आपको कुछ जिसने डॉल मिली ना उसके साथ खेलनी है। और चौक लगा रही थी मुँह पे, वो पहले वाइट है, क्यों उसे वाइट कर रही हो? तुम तो आए गए और बाहर ना दोस्तों लाइट चली गई,
तो अभी रिंग लाइट का ही यूज हो रहा है, वैसे काम की चीज है। तो बहुत देर हो गई, लाइट गई हुई भाई, आई मेरी। अब इसमें हम डाल देंगे ढेर ढेर से मसाले भाई बनाते हैं। ये देखो यहाँ प्यार हो रहा है, यहाँ प्यार हो रहा है, क्या हुआ? अच्छा मसाले लाल में क्या था मकान बाद में डालेंगे, तो ये पक्को ये निकाल देंगे उसके बाद। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है, लगभग 9 बज गए हैं और इसी टाइम पे है ना हम ना खाना खा रहे होते हैं। तो अभी सब कुछ रेडी हो गया, मैंने ना रोटी भी बना दिया है यहाँ पे और सब्जी तो पतिदेव ने बनाई है, ये है मटर मशरूम। तो आपको ना खाए मटर मशरूम तो आपको खाएगी नहीं, इसलिए वो दूध में रोटी खा रही है यहाँ पे और कह रही मम्मी मुझे भी दिखाओ। आपको मैंने आपको दिखा दिया, कुछ बोलोगे आप? क्या बोलोगे? हेलो नमस्ते प्रणाम बोलो। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप सब? सुबह मैं स्कूल जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आपसे मिलूंगा। जाऊंगी या फिर मिलूंगी आपसे? फिर मिलूंगी आपसे। अभी मैं क्या कर रही हूँ? दूध रोटी खा रही हूँ। दूध रोटी खा रही हूँ, सुबह निकलेगी फिर मैं स्कूल जाऊंगा। ये हमारे रिंग लाइट मैन, रिंग लाइट मैन। ये है रिंग लाइट वाले पापा को के। तो चलिए दोस्तों खाते हैं अपना डिनर, एंजॉय करते हैं। और हो सकता है इस टाइम पे आप लोग भी डिनर ही कर रहे होंगे, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तब तो आप लंच कर रहे होंगे इस टाइम पे।